दोस्तों हम सोशल मीडिया पे अपनी कोई ना कोई पोस्ट आए दिन अपलोड करते रहते हैं। अच्छा, हमको सिखा दिया। और इसी के रिगार्डिंग अगर मैं आपसे कहूँ, आप अपनी पोस्ट को कुछ इस तरीके कर सकते हैं, जैसे कि देखिए। तो दोस्तों अपना दिन थाम के बैठिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ फोटोज़ के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जैसे कि अभी आपने देख ही लिया होगा बैकग्राउंड ब्लर की और फोटो के कोलाज की और साउंड एडिट करने की या म्यूजिक एडिट करने की, इस तरीके की टिप्स और टिप्स आपको बताऊंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है, वो भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल और ईजी होगी। और ये ट्रिक्स आप ईजीली अपने फ़ोन से, और कुछ टिप्स तो ऐसे जो आप बिना किसी ऐप के अपने फ़ोन से ही नॉर्मली कर सकते हो। तो इसके इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो चले गए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं हूं दिस और आप देख रहे हैं आपका अपना एनटेक यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फोटोज के रिकॉर्डिंग मेरी पहली ट्रिक है कोलाज मेकिंग। दोस्तों आपने बहुत बड़ा देखा होगा लोग कोलाज बनाते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको हाई क्वालिटी पिक्चर का कोलाज बनाना सिखाऊंगा, वो भी आप अपने फ़ोन की गैलरी से कर सकते हो विदाउट एनी अदर ऐप के, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं। नॉर्मली कोलाज दो फोटोज़ का बनता है, वैसे आप कितनी भी ले सकते हो, ठीक है। कितनी मतलब एक लिमिट होती है जो आपके फ़ोन के अकॉर्डिंग होगी। आजकल हम सबके पास एडवांस फ़ोन है तो उनके अंदर ये ऑप्शन होता है कि यहाँ पे थ्री लाइंस पे जब आप फोटो सिलेक्ट कर लो तो यहाँ पे कोलाज का ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर आप करोगे कोलाज, फिर कोलाज इस तरीके के आपको शो हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कई तरह के स्टाइल होते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल इस तरीके का, फिर आता है फ्री स्टाइल इस तरीके, मतलब इसके अंदर आप उठा के कहीं पर भी किसी फोटो को रख सकते हो और कितना भी बड़ा छोटा फोटो का साइज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके आता था पोस्टर, पोस्टर में इस तरीके के होते हैं, आप इन्हें हिला सकते हो और यहाँ पर आपको नीचे तरह तरह के टाइप्स ऑफ पोस्टर्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फिर इसके आता है पज़ल, पज़ल के अंदर आपको इन्हें सेट करना पड़ता है कि जिस तरीके से आप सेट करना चाहते हो। तो मैं आपको पोस्टर के अंदर एक कोलाज सेट करके दिखाऊंगा, क्योंकि पोस्टर मुझे सबसे अच्छा लगता है कोलाज मेकिंग के अंदर। इस तरीके से जूम इन और जूम आउट करके एक अच्छा सा कोलाज बना सकते हो, ठीक है। आपको फोटोज को सेट कर लेना है। इस तरीके से फोटो को आपने सेट कर लिया, और फिर उसके बाद यहाँ पर होता है सेव का ऑप्शन, ठीक है। जैसे आप सेव करोगे तो आपकी जहाँ पर फोटो शो होती है वहाँ पर आपको एक अच्छा कोलाज देखने को मिल जाएगा। तो कितना अच्छा ये कोलाज लग रहा है आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों जो नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है ब्लर फोटो फ्रेम। दोस्तों ब्लर फोटो फ्रेम आज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, उनकी फ़ोटो होती है और साइड में ब्लर बैकग्राउंड होता है तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। मैं आपको वो करना सिखाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले आपको आपके गूगल पे आ जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है ब्लर फोटो फ्रेम ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद आपको पहली साइड मिलेगी मेक ए ब्लर फोटो फ्रेम ऑनलाइन, ठीक है। आपको इस पर आ जाना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा होगा चॉइस फाइल, ठीक है। चॉइस फाइल को आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आपके जहाँ पर आपकी फाइल्स होती हैं, मतलब जहाँ पर आपकी फ़ोटोज़ होती हैं वहाँ पर आ जाना है, ठीक है। फिर मैं ज़रा इमेजेस सेलेक्ट करूँगा कि मैं कौन सी इमेज लूँ। जैसे कि मुझे ये इमेज पसंद आई है तो मैं ये इमेज लूँगा, मैंने फाइल चॉइस कर लिया, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर विड्थ हाइट वगैरह ये सब दे रखा होगा, आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग आप ये सेटिंग रहने दीजिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये स्टैंडिंग ये जो सेटिंग है ये काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड लगती है। और उसके बाद यहाँ पर आती है विद वीडियो क्वालिटी, वो फोटो क्वालिटी, ठीक है। आपको ये हैंडेड कर देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आपकी इमेज प्रोसेस होने शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको करना है डाउनलोड प्रोसेस्ड इमेज, यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। फाइल डाउनलोडेड, ठीक है।
उसके बाद आपको आपकी रिसेंट फ़ोटोज़ में आ जाना है और यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो गई होगी और आप देख सकते हैं ये ब्लरिंग इफ़ेक्ट आपकी फ़ोटो में आ गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। और इसे आप अपने सेटिंग जो वहाँ पर आप सेट कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर पता है, इस ट्रिक से आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक मिलने वाला है, तो इस वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों एक ट्रिक और फेमस है, एक ट्रेंड और फेमस है, वो ट्रेंड है बैकग्राउंड ब्लर का, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है मुझे। तो दोस्तों इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर, नॉर्मली सभी के अंदर आती है लेकिन आप चेक करना आपकी में हो तो आपको आपके फ़ोन के कैमरे में आना है। कैमरे में आने के बाद आपका जो फ़ोन होगा उसको आपको फ़ोटो मोड पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बहुत सारे मोड होते हैं, पोर्ट्रेट होता है, नाइट होता है, आपको फ़ोटो पे आ जाना है, ठीक है। फ़ोटो पे आने के बाद आपको यहाँ पे शो होगा लेंस, लेंस पे लिखा होगा ये वाला BOKEH, ठीक है, इस वाले को आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे एक्सपोजर को सिलेक्ट कर लेना है, सेंटर में रखना है, एक्सपोजर को सेंटर में कर देना है, ठीक है। एक्सपोजर को सेंटर में करने के बाद आप जिस किसी भी ऑब्जेक्ट की फ़ोटोज़ लोगे 2 मीटर की दूरी के अंदर उस ऑब्जेक्ट को वो फोकस करेगा, अदरवाइज जो बाकी का जो बैकग्राउंड होगा उसे ब्लर कर देगा। तो इसका मैं आपको सीधा फ़ोटो का एग्जांपल दे सकता हूँ, कुछ मेरी कंडीशन है जिस वजह से मैं आपको प्रैक्टिकली शो नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस वजह से आपको शो नहीं कर सकता, तो बाकी मैं आपको फ़ोटोज़ दिखा दूंगा। आप जिस किसी भी ऑब्जेक्ट से इसको 2 मीटर की दूरी पर रखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और अच्छी खासी फ़ोटोज़ आपको शो हो जाएगी। तो ब्लर बैकग्राउंड की ट्रिक अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक चलो। दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक का नाम है रिमूव बैकग्राउंड। दोस्तों बहुत से लोग सोचते हैं रिमूव बैकग्राउंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है, किसी ऐप के बिना ये काम नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से इजीली इसका यूज़ कर सकते हो तो कैसा रहेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको गूगल पर आ जाना है और यहाँ पर लिखना है रिमूव BG, ठीक है। उसके बाद आपको पहली साइड मिलेगी, यहाँ पर आपको लिखा होगा अपलोड इमेज, इमेज को अपलोड करना है। जैसे कि मैंने ये वाली इमेज को कर लेता हूँ सिलेक्ट और कर देता हूँ डन, ठीक है। ये इमेज ऐसी आपने देखी थी कैसी है, ऐसी इमेज है और ऐसी हो गई। तो हम इसे डाउनलोड करेंगे और गैलरी में आपको शो करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसी हुई है ये इमेज ब्लर। सॉरी यहाँ पर आना था हमें, तो देखिए हो गई ना एकदम ब्लर, बैकग्राउंड हो गया गायब एकदम। तो इस तरीके से एकदम सिंगल टच में बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है टेक्स्ट एडिटिंग की एंड म्यूज़िक एडिटिंग की। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बिना किसी ऐप के आप ये काम कर सकते हो, सबसे पहले आपको ये क्लियर करता हूँ। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या होगा, आपको इंस्टाग्राम पे आना होगा, ठीक है। दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है nidhis_yt_23, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इस ट्रिक को। दोस्तों सबसे पहले आपको जहाँ पर आप स्टोरी लगाते हो आपको वहाँ पर आ जाना है, ठीक है। फिर आप जिस इमेज को सिलेक्ट करना चाहते हो, जिसकी मतलब आप म्यूज़िक लगाना चाहते हो या टेक्स्ट लगाना चाहते हो, उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं इस पर म्यूज़िक लगाना चाहता हूँ, उस पर टेक्स्ट लगाना चाहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा ये रहा, ठीक है। जैसे कि आप लिख सकते हो लाइक करो, ठीक है। और यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट्स टाइप्स मिल जाएंगे, किस फ़ॉन्ट्स में आप करना चाहते हो, जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे उस फ़ॉन्ट के अंदर। जैसे कि ये फ़ॉन्ट अच्छा था ये वाला, इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। सेट करने के बाद उसको रख कर यहाँ पर होता है सेव, देन गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। ये रही, तो इस तरीके से गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। अगर आप इसे क्रॉप करना चाहते हो ऊपर से, तो आप
नॉर्मली फ़ोन से क्रॉप कर सकते हैं। अब बात करते हैं म्यूज़िक की, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर ही एक ऑप्शन होता है ये वाला, जो यहाँ पे थोड़ा इमोजी का बना हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे होता है म्यूज़िक, म्यूज़िक, ठीक है। म्यूज़िक के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो तेरे नाल चले, हसीन, ठीक है। ये जैसे कि यहाँ पर तो सबसे पहले आप लाइन सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे कि आप किस पॉइंट से गाना स्टार्ट करना चाहते हो, यहाँ पे ये सारी चीज़ें शो हो जाएंगी, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो इतना, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर 15 सेकंड लिखा हुआ, तो यहाँ पर आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हो, आपको 5 सेकंड की चाहिए, 5 सेकंड चाहिए, 14 सेकंड की चाहिए, 15 सेकंड चाहिए, तो आप ये चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको डन कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन होंगे, इस तरीके का करना है या इस तरीके का करना है, ठीक है। जैसे कि मानो मुझे इस तरीके का करना है, फिर इसके यहाँ पर आता है ऊपर की तरफ डन से, तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको कलर मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये कलर है, ये कलर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको डन कर देना है, सिलेक्ट करके ना ऐसे कि जैसे ऐसे रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट हो गया, यहाँ पर आपको म्यूज़िक हो गया, वो रेड क्लिक करना है, सॉरी मैं गलत हो गया थोड़ा, ये 3 डॉट्स पे आना है, यहाँ पर सेव कर देना है। जिस तरीके से आपकी फ़ोटोज़ टेक्स्ट के साथ एडिट होकर सेव हुई थी, देन उसी तरीके से आपकी वीडियो भी गाने के साथ आपकी गैलरी में शो होने लग जाएगी, ठीक है। ये प्रोसेस हो रही है अभी, ये रही, ठीक है। इस तरीके से आपकी शो हो गई। तो इस वीडियो में इतना ही मैंने आपको समझाया बताया, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली के साथ रहिए, खुश रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत